हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि यस, आज मैं आपके साथ मीशो का ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो ज्वेलरीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अभी सारी नहीं आई हैं। एक्चुअली जो मैंने ऑर्डर प्लेस की थी वो कुछ रह गई थी और कुछ आ गई थी, तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही थी। तो वो जितनी भी ज्वेलरीज हैं जो मेरी पेंडिंग रह गई थी वो सब आ गई हैं, तो वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट इयररिंग्स से स्टार्ट करती हूँ। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से इस तरीके के गोल्डन कलर में ये इयररिंग्स हैं, ये आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे इयररिंग्स हैं। इसका मैंने ना, अगर आपने मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखा होगा मीशो का ही, मीशो नहीं, आई थिंक मैंने वो फ्लिपकार्ट से परचेज किए थे, इससे थोड़े से लॉन्ग थे, ब्लैक कलर में मैंने वो ऑर्डर किए थे। मुझे ये गोल्डन कलर में मीशो पर दिखे और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, तो मैंने इसको ऑर्डर किया बिकॉज गोल्डन आपको पता ही है कि जैसे कि सबके साथ जाता है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सभी ज्वेलरी जो है इस हॉल की ना, वो अंडर 200 रुपीज़ है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। तो चलिए इस इयररिंग्स को हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके की गोल्डन कलर के ये स्टोन्स दिए हुए हैं और नीचे ना ये जो सिप्पियाँ होती है ना, उस तरीके के हैंगिंग में ये नीचे किए हुए हैं। गाइज ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, आप इसको ना सूट के साथ या लहंगे के साथ आप वेयर करेंगे ना, और वैसे भी गोल्डन कलर है तो सबके साथ जाएगा। तो वैसे इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मुझे तो ये गोल्डन कलर इसलिए अच्छा लगा बिकॉज गोल्डन जो है ना वो सबके साथ जाता है। सेकंड जो हमारी इयररिंग्स हैं वो इस तरीके के शेल वाले इयररिंग्स हैं। गाइज ये भी बहुत टाइम से मेरा लेने का ना मन था, बिकॉज पर्ल में तो मैंने बाय कर लिए थे, बट ये जो ना शेल में बहुत स्मार्ट से लगता है। आई थिंक ये काफ़ी आपने देखे भी होंगे और बहुत सारे लोगों के पास होंगे भी, तो मुझे ये शेल वाले इयररिंग बहुत टाइम से चाहिए थे, तो फाइनली आई गॉट दिस। तो और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, अंडर 100 रुपीज़ इनका प्राइस है। तो गाइज इनको भी आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं, इनको भी आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इन है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको सूट कुर्ती वगैरह के साथ डालें, आप इनको ना जीन्स टॉप वगैरह के साथ भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। आई मीन इसको वेस्टर्न के साथ भी आप पेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल चलेगा ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ सूट के साथ ही इस तरीके के इयररिंग और डैंगलर्स आपको वेयर करने हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा बहुत ही प्यारा सा ये एक ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट कम कड़ा है और ये ना इस तरीके का है, ये देख सकते हैं आप, ये क्रिस्टल और पर्ल दोनों में ही है, ब्लैक कलर में है। और गाइज आप ये देख रहे हैं ये ना 3 लेयर्स में है, इसमें सिंगल लेयर में भी है और डबल लेयर में भी है, और ये जो मैंने बाय किया है ये 3 लेयर्स में है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं, और ये एडजस्टेबल है बहुत ही इजी तरीके से, ये सभी साइजेस के लिए फिट है ये इस तरीके का ब्रेसलेट जो है, और ब्लैक कलर है तो वैसे भी सबके साथ जाता है, और पार्टी वेयर भी है, और इसको कैजुअल भी आप वेयर कर सकते हैं, सूट जीन साड़ी सबके साथ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ये ब्रेसलेट है, और मुझे तो ब्लैक कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके का ब्रेसलेट भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की। लास्ट टाइम भी जो मैंने सारी ज्वेलरी दिखाई थी वो ऑक्सीडाइज ही दिखाई थी, तो इसमें भी तीन पीसेज हैं ऑक्सीडाइज के। तो सबसे पहले हम झुमकी से स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरीके की झुमकियाँ हैं गाइज, ये बहुत टाइम से मुझे ये पसंद आ रही थी, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ना पिकॉक का डिज़ाइन है और ये ऊपर इस तरीके से है, ये ना ऊपर ये आपको ये इस तरीके से ये जस्ट टॉप्स की तरह वेयर करना है, और हैंगिंग में ये इस तरीके से है। इसको आप सिंगल ही वेयर करिए, नेक में कुछ मत पहनिए एंड यू आर डन, सिंगल ही काफ़ी है। इसको भी आप जीन्स सूट कुर्ती सभी के साथ ये जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और आजकल ज्वेलरी में ना पिकॉक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये ऊपर भी ना छोटे छोटे पिकॉक बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है कि आपको लग रहा हो कि साइज देखकर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, नो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इनफैक्ट मैं क्या कोई भी नहीं वेयर कर सकता हैवी हैवी ना, कॉलेज गोअर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं इस तरीके के नीचे घुंघरू लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडाइज में ही ब्रेसलेट है,
सी ये भी घुंघरू में है, ये भी आपने काफी देख रखा होगा गाइज, ये बहुत प्रिटी लगता है अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो ना, बिकॉज मैं भी सोच रही थी, मैं एक्चुअली इसको लेने से पहले ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत मोटा मोटा सा, हैवी सा, घुंघरू सा, बट गाइज बहुत प्रिटी है, सोचो मत, ले लो, और अंडर 200 रुपीज़ है, अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है, इसको भी आप एडजस्टेबल है, ये सभी जो भी साइज है बैंगल का तो ये सभी के साथ जाएगा, ये सभी सभी इसको वेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एडजस्टेबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात तो ये आप देख सकते हैं, मतलब अगर आप सोच रहे हो ना तो सोचो मत, आप इसको ले लो, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, बट बिलीव मी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है, तो इसको भी आप ऐड कर नेक्स्ट सकते हैं। और जो लास्ट हमारा इस हॉल का प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, वो क्या है, यस नेकलेस गाइज, ये इस तरीके का नेकलेस है, ऑक्सीडाइज नेकलेस है, बहुत ही प्यारा सा ये नेक पीस है, ये मैंने ना वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न को ध्यान में रखते हुए इसको ऑर्डर किया था, इसको आप वेस्टर्न भी वेयर कर सकते हैं, वेस्टर्न इन द सेंस आप इसको ना जीन्स टॉप के साथ, टी शर्ट के ऊपर वेयर कर सकते हैं, ब्लैक कलर की ड्रेस के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, वन पीस गाउन उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, इनफैक्ट आप इसको सूट के साथ भी वेयर कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको ऑर्डर किया था, और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, और सबसे अच्छी बात ये है वेट, कि आपका नेक पीस है सेम वैसे ही इस आपके ये इयर रिंग्स है, सेम सेम इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट से है, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, सेम आपको ऐसे इयररिंग मिलने वाले हैं हैंगिंग में, तो आप चाहे तो इनको सिंगल भी वेयर कर सकते हैं और इसको भी आप सिंगल वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगा और इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी है, तो मैं बोलूँगी मस्ट बाय है अगर आप अपने लिए ऑक्सीडाइज में लाइट वेट कुछ नेक पीस अच्छा सा देख रहे हैं, अफोर्डेबल देख रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। ये था आज का मेरा हॉल, तो बताइएगा आपको कैसा लगा, मीशो की ज्वेलरी का ना मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहां से जाकर जितना भी मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन है प्लीज वहां से जाकर आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या मुझसे शेयर किया करो प्लीज कि आपको कैसी लगती है वो ज्वेलरीज और मुझ पर सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लो, बिकॉज नोटिफिकेशन बेल से आपको पता चलेगा कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी, बिकॉज अगर नोटिफिकेशन बेल आपने ऑन नहीं कर रखी होगी तो मेरी वीडियोस का पता नहीं चलेगा, और आगे जो मेरी आगे आने वाली वीडियोज है वो सब लाइंड अप है और बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन आपको इस मेरे चैनल पर देखने वाला है। जैसे कि आपको पता है मैं बहुत अफोर्डेबल चीजें लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आपके लिए वो बेनिफिट होता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर के जो अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब उसे फटाफट से ग्रे कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, और उसके साथ में जो ऑल ऑप्शन आता है ना उसको जरूर क्लिक करना, आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।